Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have seen good and proper food habits. So let's revise. We should wash fruits and vegetables before cooking or eating them. We should keep the food covered with lid. We should wash our hands before and after the meals. We should eat balanced diet. We must drink plenty of clean water. We must eat at fixed time. We should chew our food properly. We should rinse our mouth with water after every meal. Now, today we will understand the next part of this chapter, more to know. Food that makes us fat and unhealthy is called junk food. ऐसा भोजन जो हमें मोटा और अस्वस्थ बनाता है उसे हम junk food कहते हैं. जंक फूड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? यस, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैकेट्स, जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं वो सभी क्या है? जंक फूड होता है. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उससे हम अनहेल्दी फील करते हैं, यानी बार बार हम बीमार पड़ते हैं उससे. नेक्स्ट इज exercise. We should exercise regularly to keep our body fit and healthy. Exercise का मतलब होता है व्यायाम. हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहे. We must go to the park for fresh air and play outdoors regularly in the evening to build आर मसल्स स्ट्रॉन्ग. हमें रोज़ पार्क यानी बगीचे में ताज़ा हवा लेने के लिए और आउटडोर गेम्स के लिए शाम को जाना चाहिए जिससे हमारी मांसपेशियाँ मजबूत बने. हमें रोज़ शाम को क्या करना चाहिए? पार्क जाना चाहिए जिससे वहाँ पे फ्रेश एयर जो हमें मिलती है वो हमारी बॉडी को अच्छी रहती है. इसीलिए हमें शाम के टाइम पर घूमने के लिए या फिर आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा हो गया है सभी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादातर गेम्स फ़ोन पर खेलते हैं, वो चीज़ गलत है. हमें आउटडोर्स गेम भी खेलने चाहिए जिससे हमारी बॉडी भी ठीक रहे, क्योंकि बाहर के जो गेम्स अगर हम खेलते हैं तो हमारी बॉडी उससे क्या रहती है? फिट रहती है. ऑल दिस हेल्प अस टू मेक आवर बॉडी हेल्दी. यह सब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं. नाउ मोर टू नो, वी शुड प्रैक्टिस योगा एंड एरोबिक्स. हमें योगा और एरोबिक्स का अभ्यास करना चाहिए. नाउ गुड पोस्चर. गुड पोस्चर का मतलब होता है अच्छी मुद्राएं. अच्छी मुद्राएं यानी जो हम अच्छी तरह से बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं उसे हम गुड पोस्चर कहते हैं, यानी किस तरह से हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें खड़े होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे. वी नीड टू मेंटेन गुड पोस्चर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. हमें फिट और हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए अच्छी मुद्राएं बनाए रखने की ज़रूरत होती है. गुड पोस्चर शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड वॉकिंग. अच्छी मुद्राएं खड़े होने में, बैठते समय और चलते समय रखनी चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स या फिर कोई चिल्ड्रन इस तरह से बैठते हैं जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे झुक जाते हैं, वो चीज़ गलत है, वो प्रॉपर गुड पोस्चर नहीं होता है जिससे हमें आगे चल के प्रॉब्लम आती है. इसीलिए हमें अच्छी तरह से बैठना चाहिए या फिर वॉकिंग करते टाइम भी हमें अच्छी तरह से वॉक करना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज रेस्ट. रेस्ट का मतलब होता है आराम.
After working for long hours, we feel tired. So, we should take proper rest. लंबे समय तक काम करने के बाद हम थका हुआ महसूस करते हैं, तो हमें उचित आराम करना चाहिए। जैसे आप स्कूल से छूट के जाते हैं तो आप थक जाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को पेन ना हो। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिलैक्स आवर बॉडी एंड मसल्स। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे शरीर और मांसपेशियों को आराम मिलता है। स्लीपिंग इज अ वे टू गिव रेस्ट टू आवर टायर्ड बॉडी। वी शुड नॉट स्टे अप लेट एट नाइट। नींद हमारे थके हुए शरीर को आराम देने का एक तरीका है। हमें देर रात तक नहीं जगना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो रात को लेट तक जागते हैं और दिन में लेट उठते हैं, यानी मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हमें पूरे 8 आवर्स की नींद कंप्लीट करनी चाहिए, यानी पूरी करनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट वाले डे पे हमें फ्रेशनेस फील नहीं करते हैं, हम पूरे दिन फिर हम टायर्ड रहते हैं। ठीक है, नाउ आई नो वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट एंड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। वी शुड ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन अ गुड पोस्चर। वी शुड ऑल्सो टेक प्रॉपर रेस्ट टू रिलैक्स आवर बॉडी। मोर टू नो वाइज सेइंग अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बुद्धिमान कहावत है, बिस्तर पर जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन थॉरली। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।